हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और आज इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसमें हमेशा एक बेसिक क्वेश्चन पहले लेता हूँ और उसके बाद हम लोग उसके अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, उसके गेट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो गेट का लेवल होता है। ओके, सो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन देख रहे हैं जो किसी एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। ओके, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। सो ये मेरे पास क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को पढ़ के ना आपको कुछ अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। आपने अगर टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ा होगा और मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट और इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो ये 5 टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखे हुए लास्ट 2 वीडियोस में। और होप सो आपको मैंने उसमें जो एग्जांपल लिया आपको समझ में आओगे कैसे ये टाइप ऑफ इवेंट्स यहाँ पे डिस्टिंग्विश होते हैं। और लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों एक ही चीजें हैं क्या, तो मैंने वो सब कुछ आपको वहां पे डिस्कस किया हुआ है, कैसे स्टूडेंट लोग कहाँ पे फंसते हैं, कहाँ पे उनको दिक्कत होती है, मैंने वो सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है और आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखते हैं कि सर क्या इसका आंसर आएगा, तो आप लोग क्या करो कि भाई पहले वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आप लोग आंसर लिखो क्या इसका आंसर आने वाला है, और फिर मैं इसका स्टार्ट करने वाला हूं यहां पे सॉल्यूशन, ठीक। तो भाई मेरे पास लिखा हुआ है कि कार्ड मेरे को ड्रॉ करने है कहां से, 10 कार्ड्स में से। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा हूं तो मेरे पास कितने कार्ड्स हैं, सैंपल स्पेस कितना हुआ मेरे पास, 10 हो गया। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 कार्ड्स मेरे पास है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि इफ इट इज नोन दैट, पहले से नोन है अपने पास, क्या नोन है अपने पास कि दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ओके, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि यहां पे जो लिखा हुआ है मेरे पास, लेट सपोज इसको लिया मैंने इवेंट ए और लिखा हुआ है नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड, नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप समझते रहना यहां पे। मोर देन 3 मेरे पास यहां पे है, ठीक। अगर मैं इसका आगे देख रहा हूं तो मोर देन 3 के लिए एक बात बताओ, सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा सर, एन ऑफ ए का सैंपल स्पेस तो बनेगा भाई यहां पे ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, लास्ट 10, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको फाइंड क्या करना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो ये सब मैं यहां पे हाईलाइट कर दिया हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। सर तो बढ़िया लगा पढ़ के, क्या कि भाई इवेंट अपने को यहां पे लिखा हुआ है इवेंट बी और लिखा है द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर, ठीक। सो भाई एक बात बताओ ना, अगर मैं सिर्फ इवेंट बी की बात करता हूं तो मेरे पास इवन नंबर कौन कौन से, इवन नंबर मेरे पास आउट ऑफ 10 वी हैव 2, 4, 6, 8, 10, तो ये मेरे पास हो गए इवन नंबर, ठीक है। अगर बोलो सर कि एक बात बताओ, आपको इवेंट ए को अगर करना है, क्वेश्चन अभी छोड़ दो, अपन एकदम फ्री पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में सीखते हैं कुछ कुछ। अगर ये बोलो कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर आउट ऑफ 10 फॉर इवेंट ए अकर होने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वी हैव 7 पॉसिबिलिटीज और 7 में से एक कार्ड आपको ड्रॉ करने है और वो कार्ड होगा मोर देन 3। क्या आपको बात समझ में आ रही है, इसका मतलब अपने पास है आउट ऑफ 10 7 ऑप्शंस, तो इसका आंसर क्या हुआ 7/10, है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये बोलो आपको सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, इवेंट बी होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या होंगी मेरे पास, तो भाई इवेंट बी होने की पॉसिबिलिटी होगी अपने पास यहां पे आउट ऑफ 10 वी हैव 5 इवन नंबर और 5 इवन नंबर में अपने को एक कार्ड ड्रॉ करने है, इसका मतलब अपने पास हो गया 5 out of 10। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए यहां पे। अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे कि सर यहां पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो लिखा हुआ है कि
इफ इट इज नोन दैट, पहले से पता है क्या कि जो कार्ड ड्रॉ हो रहा है वो मोर देन थ्री है, मतलब कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी पहले लिखी हुई है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं क्वेश्चन को देख पा रहा हूं, तो मुझे यहां से दिख रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करनी है। बी देखो मैंने क्या इवेंट लिया हुआ है और उसमें से ऑलरेडी जो इवेंट ए है वो हो चुका है। क्या ये थी समझ में आया कि आपको? इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन हो गया यहां पे। तो लिखा हुआ है मेरे पास इफ इट इज नोन दैट कि नंबर जो है वो ड्रॉन कार्ड में वो मोर देन थ्री है, मतलब इवेंट ए, और उसी पे इवेंट बी मतलब इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सर इसका फॉर्मूला ना हम लोग भूल गए, फिर से बताओ। तो ये होता है मेरे पास ए ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये देखो तो बढ़िया सा लिखा आपने क्या। अब सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है क्या, समझ में नहीं आ रहा है? तो देखो ना आप लोग, देखो आराम से देखो यहां पे। तो यहां पे लिखो मैंने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स बिटवीन इवेंट ए एंड इवेंट बी। सो देखो कॉमन पॉइंट कौन कौन से है यहां पे ए और बी में, कॉमन पॉइंट अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं तो मैं यहां से निकालने वाला हूं। सर कॉमन पॉइंट है मेरे पास 4, ये देखो 4, उसके बाद यहां पे 6, ये 6, ये 8, ये 8 और ये 10 और ये 10। कितने कॉमन पॉइंट्स हैं सर? कॉमन पॉइंट आपने को कितने दिख रहे हैं सर? 4 दिख रहे हैं। तो लिख लेते हैं यहां पे, सो ये मेरे पास 4, 6, 8 और ये 10। सो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 4। ठीक है, अगर मैं बोलूं सर कि प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है ए इंटरसेक्शन बी की, सो एक बात बताओ, इवेंट ए और बी में 4 कॉमन पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ व्हाट टोटल सैंपल स्पेस 4/10। समझ में आ गई चीज? ठीक है, अब इसको बस पुट कर लेते हैं यहां पे। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 4/10 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? तो ये मेरे पास 7/10, इसका मतलब आंसर हो गया मेरे पास 4/7। तो आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक, अब देखो मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब होता क्या है, अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन करने हैं जो गेट एग्जाम में बिल्कुल दिखते हैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन, तो आप क्या करो, अपने 12th क्लास अभी पढ़े होंगे यहाँ पे, और 12th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है, क्या बोल रहा हूं मैं, 12th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है जहां पे लास्ट चैप्टर मेरे पास है प्रोबेबिलिटी का, सभी के सभी जो भी जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे जिनको लगता है कि टॉपिक मुझे बहुत अच्छा करना है, तो आप लोग 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक का प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर ना एकदम मस्त से कर लो। आपको देखना एक अच्छी फीलिंग आएगी प्रोबेबिलिटी को लेके, उसमें कॉन्सेप्ट निकालो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं वहां पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक एक्सरसाइज है, तो आपको वहां से जरूर करना चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे किया हुआ है और उससे ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने मिलेगी। चाहे अगर मैं बात करूं कि मैंने इंटीग्रल कैलकुलस के वीडियोस भी काफी सारे ऑलरेडी यूट्यूब में डाल के रखे हुए हैं, तो आप भी उस चैप्टर का आप कर सकते हो कि भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या है कि बिल्कुल आप एक अच्छी फीलिंग आपको आएगी वहां क्वेश्चन सॉल्व करने में। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपको 12th क्लास का बुक सॉल्व करना है, आप बीएस अग्रवाल क्यों नहीं बोल रहे हो? तो भाई बीएस अग्रवाल तो आपको बनाना ही है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ही है। मैं 12th क्लास इसलिए बोल रहा हूं कि आज भी ना गेट में क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से बिल्कुल आता रहता है, मैथ्स के लिए की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि उसके लिए भी आप रेडी रहो और डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल छप जाता है गेट एग्जाम में। ठीक है, जो भी गेट पेपर डिजाइन करते हैं उन लोग सब कुछ यहाँ पे पूरे बुक्स को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अगर सर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो सर क्या ये क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं बनेगा क्या, बताता हूं आपको मैं। देखो अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला आपको नहीं पता होना चाहिए चल जाएगा, नहीं पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको। ठीक, तो अगर ये बोलोगे सर इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, देखो ना सिंपल सा, आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी वो क्या है मेरे पास, इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी है ना, और उसमें से जो इवेंट ए है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बात बताओ मेरे पास सैंपल स्पेस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना मेरे पास सैंपल स्पेस कितना है, जल्दी से बताओ। सर 10 सैंपल स्पेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 सैंपल स्पेस मेरे पास यहां पे लिखे हुए हैं और उसमें से जो आउटकम्स बस 10 है, उसमें इवेंट बी जो फाइंड करना है वो है इवन नंबर होने का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से ही कि भाई जो भी आप कार्ड ड्रॉ करोगे, 10 कार्ड है मेरे पास, जो भी आप कार्ड निकालोगे वो पहले से फिक्स्ड है कि वो होना चाहिए मोर देन 3।
तो इसका मतलब है कि आपको वो 10 आउटकम्स को देखने की अब नीड नहीं है, क्योंकि उसने पहले से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, है ना। क्या किया है कि भाई वो कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो नंबर है मोर देन 3 होना चाहिए, तो पहले से इंफॉर्मेशन आपको डिसाइडेड है कि आपको 10 आउटकम्स को यहां पे देखने की जरूरत नहीं है। आपको किसको देखना है? आपको देखना है कि सर कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं ना वो मोर देन 3 होना चाहिए, मतलब कि आपका सैंपल स्पेस अब 10 नहीं रहा। आपका सैंपल स्पेस कितना हो गया अब यहां पे सर? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया सैंपल स्पेस। इसका मतलब कि यहां पे मैं लिखने वाला हूं 7, ये देख लो, ठीक है। अब 10 नहीं रहा यहां पे। अब लिखा हुआ है कि सर वो 7 में देख लो यहां पे 7 4 5 6 7 8 9 10 7 आउटकम्स में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी इवन नंबर होने की। तो यार ये पूरे 7 आउटकम में से चेक कर लो ना कि कौन सा आपका डिजायरेबल केस है, कहां कहां पे इवन नंबर है। तो सर ये देखो 4 में है, 6 में है, 8 में है, 10 में है, कितने जगह पे है सर? 4 ऑप्शन है मेरे पास। इसका मतलब यहां पे आंसर आ गया 4/7। मजा आया क्या? ठीक है, देखो अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं भी पता है तो आप ऐसे ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, उस इवेंट को मान लो जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो, जैसे मैंने बी मान लिया, और जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको मैंने इवेंट ए ले लिया, और उसी के हिसाब से मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहां पे फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया मेरे पास। क्या आपको समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग क्या करना कि वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन का आंसर लेके आना, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं आंसर रोज चेक करता रहता हूं आप लोग क्या रिप्लाई करते हो। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखा जाए। एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। ठीक है, तो वन बाय वन बात करें हम यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई एग्जाम है कोई, ठीक है, और उस एग्जाम में जो एग्जाम पेपर है, एक पेपर वन, पेपर वन की बात हो रही है, और एक पेपर टू, दो पेपर है यहां। ठीक है, और लिखा हुआ है आगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन इज 0.3, मतलब कि लेट सपोज ये हो गया ए और लेट सपोज ये हो गया बी। वन बाय वन अपन देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। ठीक है, सो लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन इज 0.3, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पेपर वन में फेल होने का कितना है? 0.3 है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर, एक बात बताओ, अगर आप एग्जाम देते हो तो दो टाइप की चीजें होती हैं, या तो आप एग्जाम में फेल होते हो या तो पास होते हो, यही होता है मेरे पास। तो अगर आप बोलो कि सर प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 1 होती है। तो भाई एक बात बताओ ना, दो ही चीजें होने वाली है, या तो वो फेल होगा या तो वो पास होगा, तो ये दो ही ऑप्शन है, मतलब प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो ये पास होने की प्रोबेबिलिटी, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये हो गया पास होने की प्रोबेबिलिटी और ये हो गया फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो फेल और पास, फेल आपको गिवन है कितना है, ये देखो 0.3 गिवन है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने का कितना हो जाएगा? ये 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने का यहां पे हो जाएगा 1 - 0.3, दैट इज 0.7। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 0.3, ये फेल होने की बात हो रही है ना, मैं लिख देता हूं साइड में, फेल होने की बात हो रही है। तो भाई पास होने के लिए क्या होगा, ए बार लगा दूं मैं? सर ये बार का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, जस्ट इसका अपोजिट फॉर्म। ओके, तो यहां पे इसको ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये देखो बढ़िया लगा। ठीक है, सो यहां पे ये हो जाएगा 0.7, और एक इसकी बात हो रही है यहां पे, सर ये पास होने की बात हो रही है। ठीक, तो यहां तक अपने को क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद अगर पेपर टू की बात करते हैं तो दैट इन पेपर टू इज 0.2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको यहां पे 0.2। आराम से पढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी लेंदी है, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन को देखते ही आप घबरा गए, नहीं जरा पढ़ो ना क्वेश्चन को, मजा आएगा भी। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन आगे में, गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर वन। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? सर ना एक चीज गिवन है यहां पे, गिवन दैट, ये पहले से गिवन है कि जो स्टूडेंट है वो पेपर टू में फेल हो चुका है, ये ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन इज 0.6। सर इसका मतलब ना समझ नहीं आ रहा है, देख बात बताओ, पेपर टू में वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, और उसके बाद एट द सेम टाइम लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन इज 0.6। इसका मतलब है कि सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो ध्यान से देखना है, मैं क्या लिख रहा हूं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर टू में ऑलरेडी फेल हो चुका है। सर पेपर टू कौन सा है? बी नंबर का इवेंट है, ये देखो, तो यहां पे लिखा मैंने बी, और पेपर वन में फेल होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी
मजा आया क्या, क्या चीज आपको समझ में आया? तो भाई ये तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गया ना। सर कंडीशन कैसे दिख रहा है, समझ नहीं आया। पेपर वन में पेपर टू में ऑलरेडी फेल्ड है, ये कंडीशन हो गया, और उसी कंडीशन पे पेपर वन में फेल होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हो गया ए बाय बी। तो जो भी आप ए बी पी क्यू आर एस या अपना नाम भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे कितना गिवन है, ये 0.6। आगे लिखा हुआ है कि सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, द स्टूडेंट हु हैज फेल्ड, फेल हो रहा है किसमें सर, बोथ द पेपर्स में, बोथ द पेपर्स, ये देखो दोनों पेपर में फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो पेपर वन पेपर टू दोनों में फेल हो रहा है सर, इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर फेलिंग पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, दोनों में फेल हो रहा है ना यहां पे। इसका मतलब है कि एक्चुअली में आपको क्या फाइंड करना है, ए एज वेल एज बी या ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी, क्या आपको ये चीज समझ में आएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक। तो भाई अब लोग तो जानते हैं ना कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो होता है, मेरे पास फॉर्मूला पता है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी गिवन है आपको, नहीं ये तो फाइंड करना है आपने को। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था यहां पे, और मैं इसका सॉल्यूशन बस आंसर लेके आने वाला हूं। ए बाई बी के लिए गिवन है आपको 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ऑलरेडी हो चुका है, पेपर टू में फेल हो चुका है, कितना है मेरे पास सर 0.2। ये देखो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी में 0.12, और ये इसका हो गया आंसर। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान ये क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो बॉक्स बना के, और कुछ भी खास नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, सो मुझे लगा ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे वीडियो में, तो मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आराम से नोट कर लो इसको। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील किया जाए, और जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन डील किया था वो गेट में आया हुआ क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सो टू फेयर डाइस आर रोल्ड एंड सम आर एंड द सम आर ऑफ द नंबर्स टर्न्ड अप इज कंसिडर्ड, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो बात यहाँ पे दो डाइस की बात हो रही है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे दो डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है 36, ठीक है। और 30 सैंपल स्पेस में बात यहाँ पे किसकी हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो सर बात यहाँ पे हो रही है सम आर, ये होने का इसका मतलब यहाँ पे जो भी आप पुट करने वाले हैं, जो भी आप देखने वाले हैं सम, उसको मैं आर से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, सम दो डाइस के लिए होता कितना है? सर मिनिमम सम होता है 2 और मैक्सिमम सम होता है 12, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं वो टेबल याद करूं, मैंने आपको जो लिखवाया था आप याद करो, ये टेबल लिखवाया था मैंने आपको, याद करने के लिए बोला था सर ये टेबल आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। सो आपको यहां पे देखो टेबल मैं नोट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना यहां पे। सो मेरे पास सम था 2, 3, 4, ठीक है, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11 और लास्ट मेरे पास था 12, ठीक है। होप सो आपको ये टेबल याद होगा, मैंने आपको तरीका बताया था इसका याद करने का। सो 2 सम आने के लिए आउटकम्स कितने होते हैं सर? 1 होते हैं, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट मेरे पास 6 यहां पे, उसके बाद वापस से ये डिक्रीज होगा और यहां पे आ जाएगा 4, 3, 2 और ये 1, क्या आपको ये समझ में आया क्या? तो भाई नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे यहां पे? नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगेन 5, 4, 3, 2, 1, ये आपको समझ में आया, ठीक, आपको याद होगा ये, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं कि सर लिखा हुआ है कि जो भी सम यहां से निकल के आ रहा है, सम क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके करस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ आउटकम्स, तो सम आर ऑफ द नंबर्स टर्न्ड अप इज कंसिडर्ड, उसको कंसिडर कर रहे हैं। और ऑप्शन ए, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो लिखा है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6, मतलब कि प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या चाहिए, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है या उसमें जो गिवन है आपको प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 6 होने का, और वो गिवन है आपको 1/6। सो क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा है कि सर इसमें ना ऑप्शन को आपको सेटिस्फाई कराना है, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा, बात समझ में आई क्या?
तो फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन देखते हैं यहां पे, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास, तो भाई ऑप्शन ए में लिखा है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन 6। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है कि यहां पे सम क्या क्या हो सकता है। तो सम हो सकता है यहां पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब के सब हो सकते हैं ना। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं यहां पे सम 7 होने का, तो उसके आउटकम्स कितने होते हैं? सर 7 होने के आउटकम्स होते हैं 6, मतलब आउट ऑफ 36 ये हो गया मेरे पास 7 होने के आउटकम्स 6, 8 होने के आउटकम्स। सर ये ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई 7 आउटकम हो सकता है, 8 हो सकता है, सम 9 सम हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11, 12 इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास ग्रेटर देन 6 होने के। समझ में आ रही बात? तो 8 सम होने के लिए कितने मेरे पास, ये 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में मेरे पास 1। अगर मैं सबका सम करता हूं तो सर क्या दिख रहा है आपको, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18 प्लस 2 21। ये देखो 21 बाई 36, इसका मतलब इसका आंसर आप क्या बोलने वाले हो, सर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया मेरे पास 7 बाई 12। लेकिन यार ऑप्शन में क्या गिवन है आपको, सर ये 1/6 गिवन है, मतलब क्या, विच इज नॉट इक्वल टू 1/6। इसका मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बड़ी खूबसूरत से आपने इसको बोला कि भाई ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके नेक्स्ट, अगर अपन देखते हैं यहां पे ऑप्शन बी को, आप समझ गए होंगे यहां पे क्वेश्चन का फॉर्मेट। ऑप्शन बी देखो यहां पे, सो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है आर बाय 3 इज एन इंटीजर, ये आप देख पा रहे होंगे यहां पे। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर कब निकलता है, जब वहां का नंबर उसे कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्या आपको बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, सर 3 से डिवाइड कर रहे हैं। मजे की बात क्या है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे आर जो है, आर क्या है मेरे पास, सर सम है ना, तो सम यहां पे क्या होना चाहिए, जो ऐसे सम आपको लेने पड़ेंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। क्या आपको बात समझ में आई, इसका मतलब है 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से सम है। तो भाई यहां पे मैं लिख रहा हूं, देख लो यहां पे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 3 से डिवाइड होने वाले, तो 3 खुद अपने आप में ही है, तो ये हो गया मेरे पास 3। और नेक्स्ट मेरे पास क्या हो सकता है सर, 6 सर, और 9 और 12, इसका मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 होने चाहिए। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छे फॉर्म में लिखता हूं, ये देखो, और आपको क्लेरिफाई करना है तो भाई ये होना चाहिए कि यहां पे प्रोबेबिलिटी में आर की वैल्यू होगी मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3, ये मजा आएगा लिखने में। ठीक है, तो यहां पे अगर बोलूं मैं सर मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन है, तो ये हो जाएंगे मेरे पास 3 खुद, 6 और ये 9 और नेक्स्ट 12। तो देख लेते हैं यहां पे आउट ऑफ 36 वी हैव सम होने के लिए 3 ऑप्शंस, यहां पे 3 मेरे पास कितने आउटकम्स हैं, 2 ऑप्शन यहां पे, तो ये हो गया 2 प्लस 6 सम होने के, ये हो गया 5, 9 के लिए मेरे पास 4 और यहां पे 12 होने के लिए 1, इसका मतलब है कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 7 और ये 12, इसका मतलब 12 डिवाइड बाय 36, ये हो गया 5 टू 7 और 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये 1/3, सर ये 1/3 हो रहा है, लेकिन आपको क्या गिवन है यहां पे, ऑप्शन बी में आपको क्या गिवन है, विच इज नॉट इक्वल टू 5/6, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां पे, इसका मतलब ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप इसको आराम से फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करो, अब दो ऑप्शन तो ऑलरेडी यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करो, वीडियो को एक बार पॉज करो और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी को एक बार ट्राई करके देखो कौन सा ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। ओके चलो जल्दी से करते हैं ऑप्शन सी को। अगर मैं सी को देख रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी आर बाई 4 इज एन इंटीजर और ये आपको फाइंड करना है। तो यार ऐसा गिवन है क्या, सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आर इक्वल टू 8 सम होने की, कब, जब आर बाई 4 जो है इज एन इंटीजर नंबर है, तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है ना, और उसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। सर भूल गए फिर से बताओ, तो देखो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है मेरे पास। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं नोट कर रहा हूं यहां पे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या,
आर इक्वल टू एट, ये देखो इंटरसेक्शन आर बाई फोर इज एन इंटीजर, ये आपने लिखा ठीक, और यहां पे आपने लिखा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई फोर इज एन इंटीजर, ठीक पूरा मैं लिखा रहा हूं, आपका नोट्स बढ़िया बनना चाहिए आपके कॉपी का। सो आर इक्वल टू एट सम होने का और उसके इंटरसेक्शन आर बाई फोर इंटीजर होने का, तो आर बाई फोर इंटीजर कब होगा सर? आर बाई फोर इंटीजर तभी होगा जब वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है मतलब जो सम आर निकल रहा है वो फोर से डिवाइड होगा कंप्लीटली, मतलब फोर के मल्टीपल्स। क्या आपको बात समझ में आई क्या? चलो मैं इसको पूरा सजा के लिखता हूं आप लोग के लिए। तो अगर ये बोलो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट होने का, देखना यहां पे ध्यान से आप लोग, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू एट, तो ये तो बात हो गई एक, और प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आर बाई फोर इंटीजर होने के लिए क्या है मल्टीपल्स ऑफ फोर, मतलब फोर के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? फोर एट और लास्ट ट्वेल्व, ये देख लो फोर एट और ये ट्वेल्व। क्या आपको बात समझ में आई क्या? और डिवाइडेड बाई यहां पर ये हो गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू फोर एट और ट्वेल्व, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं ना वन बाई वन, कुछ खास नहीं है। अब तो आपको देखना है आर इक्वल टू एट और इसके लिए इंटरसेक्शन, तो यार दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा है? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट। तो दोनों में कॉमन पॉइंट सर कौन सा है? आर इक्वल टू एट, और आर इक्वल टू एट में कितने मेरे पास आउटकम्स हैं सर? सम आर इक्वल टू एट होने के ना आउटकम्स मेरे पास फाइव है। इसका मतलब कि इसके अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं इंटरसेक्शन का, तो आउट ऑफ 36 वी हैव फाइव ऑप्शन टू सेटिस्फाइज दिस न्यूमरेटर, ओके। एंड अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूं तो आर इक्वल टू फोर एट ट्वेल्व, इसका मतलब आउट ऑफ 36 अगर मैं इसको बड़े प्यार से लिखूं यहां पे, तो देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं 36 सर, फोर सम होने की आउटकम्स थ्री है, ये देखो थ्री लिखा है मैंने सर, एट होने के फाइव है और ट्वेल्व होने के वन है। इसका मतलब है मेरे पास ये हो गया 5 बाई 36 डिवाइड बाई 9 बाई 36, तो ये हो गया 5 बाई 9 जो कि आपको ऑप्शन सी में सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। 5 बाई 9 आना चाहिए था इसका प्रोबेबिलिटी और आया भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ है मेरे पास? इसका आंसर हुआ है ऑप्शन सी, ओके। तो यहां पे कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन, और अभी मैं आप लोग को ऑप्शन डी भी यहां पे सेटिस्फाई करके दिखाता हूं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, आपको मैं चेक करके दिखाता हूं उसे, क्या वो वाकई में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी आपने यहां पे बोल चुका है ऑलरेडी, इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से नोट करो, और मैं इसे यहां से रिमूव कर रहा हूं दिस वन, सो देखो ऑप्शन डी यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी में आर इज इक्वल टू एट, आर इक्वल टू सिक्स, सॉरी आर इक्वल टू सिक्स, और यहां पे अगेन वही कंडीशन प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू आर बाई फाइव इज एन इंटीजर। इसका मतलब सर आर की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जो फाइव के डिवाइड हो यहां पे कंप्लीटली, मतलब फाइव के मल्टीपल्स। सर फाइव के मल्टीपल्स ना दो हैं, बताइए तो कौन कौन से? एक है मेरे पास फाइव और दूसरा है मेरे पास टेन। क्या आपको समझ में आया चीज? मजा आया क्या? ठीक है। अगर बोलूं मैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू फाइव और टेन ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अगर देखो आप यहां पे सर इंटरसेक्शन चेक करते हैं, तो इंटरसेक्शन आर इक्वल टू सिक्स आर इक्वल टू फाइव टेन, इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या दोनों में? सर नहीं, सर समझ नहीं है कैसे? देखो ऑप्शन सी को देखो, आर इक्वल टू एट और आर इक्वल टू एट यहां पे भी था, ये देखो इंटरसेक्शन यहां पे, ये दोनों के बीच में, इसलिए 5 बाई 36 का हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लिखा न्यूमरेटर के लिए। लेकिन यहां पे आपको देर इज नो इंटरसेक्शन, मतलब देर इज नो आउटकम्स आउट ऑफ 36 जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिखे, सम 6 होने का और सम 5 और 10 होने का, ओके। और नीचे में प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे सर? 5 और 10 होने की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे? तो सर इसका सम देख लेते हैं, आउटकम्स 5 होने का 4 है और 10 होने का 3 है। इसका मतलब है कि यहां पे मैं लिखूंगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 36, तो ये हो गया 0 बाई 36 और ये हो गया 7 बाई 36। सर इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिखो ना, आप क्यों टाइम पास कर रहे हो? अरे नहीं, आपको मैं ना पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ पाओ, ओके। तो यहां पे मेरे पास आंसर आ गया 0 विच इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 18, इसका मतलब ऑप्शन डी तो होना ही नहीं था क्योंकि ऑप्शन सी ऑलरेडी अपना आंसर बोल चुके हैं, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा।